पिता के द्वारा अपनी बेटी और बेटे की कस्टडी पाने के लिए आवेदन दिया गया और बाल कल्याण समिति को वह आवेदन फॉरवर्ड किया गया है। इस मामले को लेकर के पटेरा थाना पुलिस के द्वारा इस मामले पर बाल कल्याण समिति के माध्यम से इस मामले पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही पीड़ित पिता का यह कहना है कि उसका बेटा और बेटी को लेकर उसकी पत्नी किसी के साथ 2013 में चली गई थी, जिसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। वहीं वह अब अपनी बेटी और बेटे की कस्टडी चाहता है, जिसको लेकर के उसने आवेदन दिया है। इस आवेदन पर सुनवाई बाल कल्याण समिति के माध्यम से की गई है, जिसको लेकर के सुनवाई के बाद बाल कल्याण समिति के द्वारा बेटी को छात्रावास में पढ़ने के लिए भेज दिया गया है तथा मूल पिता को नहीं सौंपते हुए नवीन पिता को भी नहीं सौंपा गया है। लेकिन क्या कुछ मामला है पूरा आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। 2013 की है सर, वहाँ से आई थी, ये बोल रही थी माँ के, फिर वहाँ गई, पता ही नहीं चला है सर कहाँ गई। फिर हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो पुलिस में हमने कंप्लेन की तो पुलिस ने पकड़ लिया, तो फिर हटा ले गए पटेरा से, फिर कोर्ट से यहाँ ले आए दमोह से, फिर स्टाफ वन में छोड़ दिया है। अब हमको बाला को बालिका को चाहना है तो कैसे मिलेगी? कौन ले गया था? रमजान। कौन है? मुसलमान। कहाँ का रहने वाला? वहीं अर्थखेड़ा का। आप कहाँ के रहने वाले? पिपरिया से कारपुरा। 2013 में गुम गई और यहाँ से घर से भाग गई, और फिर न्यूज चली, अपन पुलिस में पटेरा थाना में दर्ज रिपोर्ट करी, अपन को कोई मालूम नहीं चला, ढूंढते ढूंढते थक गए। इसके बाद अभी मालूम चला तो अपन ने इसकी फिर से रिपोर्ट दर्ज कराई, और उस रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि रमजान ले गया। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, पुलिस गई हिमलिया चौकी से, उनको अगवा करके लाए, पटेरा लेके आए, पटेरा से कोर्ट लाए, कोर्ट से यहाँ दमो आ गए। कौन किस किस को ले गया था? बच्चा बच्ची को ले गया। कितने साल पहले? 2013 में। बाहर के रहा? क्या क्या कह के ले गया था? अपहरण करके ले गया। आज कहाँ पर आए हो आप लोग, क्या कहने आए? आज यहाँ बच्चा बच्ची को लेने आए हैं। मामला स्पष्ट रूप से 2013 की ये घटना है, जिसमें एक हिंदू समाज की शादीशुदा महिला को एक मुस्लिम जो कि रमजान नाम का है वो लेकर गया था। उस समय आज से ये करीब 6-7 साल पहले की ये घटना, उसमें बच्चे और बच्ची को वो महिला चुपचाप से अपने साथ लेके चली गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पटेरा थाने में लिखाई गई, पुलिस ढूंढने का प्रयास किया, फिर बड़ी मुश्किल में जाके वो मिली। फर्स्ट दृश्य क्या हुआ कि इसमें है ना ही महिला का धर्म परिवर्तन करवाया, ना ही तलाक दिलाई गई, उसके बाद भी जो रमजान नाम का आदमी उससे उसका निकाह पढ़ा दिया गया, उसको मुस्लिम बना दिया गया। और अभी कुछ दिन पहले की घटना है जिसमें उक्त जो बच्ची है अभी 14 साल की हुई, JPB स्कूल गई थी, स्कूल में जब वो अपने घर जाने को मना कर दिया कि मैं घर नहीं जाऊंगी, उस स्थिति में टीचर ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि बच्ची ने बताया कि जो मेरा सौतेला बाप है, जो वास्तव में सौतेला नहीं, जो अपहरण करता है जिसका नाम रमजान है, उसने इस बच्ची के साथ गलत हरकत करने का, मोलेस्टेशन करने का प्रयास किया। लड़की ने अपना लिखित में ये आवेदन दिया, FIR कराई गई, जिसके अंतर्गत पॉस्को एक्ट के तहत 354 धारा और पॉस्को एक्ट की इनके ऊपर FIR करी। जो अभी वर्तमान में परिवर्तन हुए उसमें 376 इसके ऊपर लगी जानी चाहिए थी, क्योंकि बच्ची माइनर है, उसके साथ गलत दृष्टि से उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया, जो नई परिभाषा के अंतर्गत आता है, उस पर इस पर कोई धारा नहीं की गई। अब रोज़ इनके तारीख पे तारीख दे दी जा रही है। जो उसका नैसर्गिक पिता है वो अपने बच्चों को वापस लेना चाहता है, और ये प्रक्रिया से उसको रोज़ ना रोज़ अपना फेस करना पड़ रही है। आज किशोर न्यायालय में उसी विषय को लेकर बैठक चल रही है कि उसके पिता के लिए इन दोनों बच्चों की कस्टडी दे दी जाए। अगर नियमानुसार बात करें तो वो कस्टडी, अभी इसके पहले भी एक नियम का उल्लंघन कर दिया गया था कि पॉस्को एक्ट में जब वो जो मुस्लिम पक्ष है वो रमजान करके उसके लिए ये बच्चियों को सौंप दिया गया, जबकि नियमानुसार इसके लिए बाल कहीं ऐसे आश्रम या जो इनकी व्यवस्था होती है उसमें उस बच्ची को छोड़ना था।
उसको उक्त लड़की को बेचारी बच्ची को उसके घर छोड़ दिया गया। उसके बाद वो रमजान नाम का जो व्यक्ति है वो लगातार इसके ऊपर दबाव बना रहा है, इसके साथ दोबारा प्रयास कर रहा है उस तरीके से हरकत करने की। फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन या तो अंधा हो गया है या वो समझ नहीं पा रहा है कि कानून के उलट ये काम कैसे कर रहे हैं। उस लड़की की कस्टडी उस रमजान नाम के आदमी को किस आधार पर किस तरीके से दी जा रही है।